हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ साइको ट्यूबर। तो जैसे कि गाइस, मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, 100 डेज स्टडी प्लान आपके लिए अपलोड किया है कि आप 100 डेज में अपना सिलेबस के लिए प्रेपरेशंस कैसे कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूँगी उस वीडियो का, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको जो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ डैट इज़ बेस्ड ऑन मेनली द शेड्यूल फॉर कम्प्लीटिंग सिलेबस ऑन टाइम, कि हमें अपना सिलेबस जो नेट एग्ज़ाम के लिए है उसे 100 डेज में भी कंप्लीट करना है, ऑन टाइम कंप्लीट करना है, और रिवीजन के लिए प्रैक्टिस के लिए भी टाइम निकालना है। तो उसके लिए एक स्केड्यूल बताने वाली हूँ आपको कि आपने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। ओके गाइस, तो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं डेली अपलोड कर रही हूँ, आपसे उसके रिलेटेड कोई वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं 100 डेज स्टडी प्लान बता चुकी हूँ आपको, तो उसमें हम क्या मेनली फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग डैट आपके पास जैसे 100 डेज अभी हैं, ठीक है ना, 3 मंथ्स के अकॉर्डिंगली अगर हम लगाएं तो आपके पास मैक्सिमम 100 डेज हैं, तो आप कैसे प्रेपरेशन कर सकते हैं अपनी, आप 10 डेज पर यूनिट पर लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास साइकोलॉजी सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। और अगर आप 10 डेज पर यूनिट पे लगाएंगे तो आपका 10 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे ऑन टाइम। तो इसके साथ ही आपने क्या फोकस करना है, जैसे कि आपको पता है कि कुछ यूनिट्स जो हैं थोड़ी लेंथी होती हैं, उसको ज़्यादा टाइम लगता है कवर करने में, जैसे कि आपकी एक यूनिट है जिसमें पर्सनैलिटी, थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, ये सब टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक्स हैं एक ही यूनिट में ऐड ऑन हो गए हैं, तो ठीक है ना, तो वो यूनिट जो है आप खुद में ही एक वास्ट टॉपिक बन जाता है। तो कुछ यूनिट्स होंगे जो आपको लेस टाइम में जल्दी में हो जाएंगे, जैसे कि डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गया, वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग कम है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई यूनिट जो है आपको मुश्किल लगती है, उसने आपके 12 डेज कवर कर लिए, ठीक है, 12 डेज अगर कवर कर लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो दूसरी यूनिट जो इजी है उसको आप 8 डेज में कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पर है कि आपने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, कि अगर आपको लगता है कि मुझे ये यूनिट मुश्किल लग रही है, जैसे मुझे स्टैट्स मुश्किल लग रहा है, तो उसमें मुझे कवर करते हुए सिलेबस ही 12 डेज हो गए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो ईजी यूनिट है उसको थोड़ा जल्दी कर उसके जो डेज बचते थे आप दूसरी यूनिट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 20 डेज में ही आपकी क्या हो जाएंगी, 20 डेज में आपके 2 यूनिट्स हो ही जाएंगी, ओके ना। तो अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि मार्च में आपके 3 यूनिट्स हो जाएं अच्छे से, जैसे कि आपको मैंने बोला है कि फर्स्ट यूनिट को आप स्किप कर दें, तो अगर आप प्रेपरेशंस करेंगे तो मार्च में आपकी 3 यूनिट्स ईजिली कवर हो जाएंगी गाइस। तो 3 यूनिट्स को कवर कैसे करेंगे आप, अगर आप ऑन टाइम सिलेबस कम्प्लीट करेंगे और थोड़ा सा मैनेज के साथ चलेंगे। तो अगर आपको एक स्टडी प्लान बताना हो तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, फॉर दीज मंथ्स की मार्च अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, 3 आवर्स स्टडी प्लान लगा सकते हैं कि आपको 3 आवर्स देने हैं डेली टू योर सब्जेक्ट। तो 3 आवर्स ऐसे नहीं होता कि आप कॉन्टिन्यूसली 3 आवर्स के लिए स्टडी करें, आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने 3 आवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन मॉर्निंग एंड एट नाइट, ओके। तो मॉर्निंग में आप 1.5 आवर्स पढ़ सकते हैं और नाइट में भी, तो इस तरीके से आपका टोटल हो जाएगा 3 आवर्स, ओके गाइस। तो ये तो एक एग्जांपल है, आप मॉर्निंग की जगह इवनिंग में पढ़ सकते हो, नाइट में अगर आप 3 आवर्स एक साथ पढ़ सकते हो डैट इज़ वेल एंड गुड, पर अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे टाइम और अभी इतना स्टडी करने का बेस भी नहीं बना आपका, तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि आप हाफ ऑफ कर लो उस टाइम को, ताकि आपके 3 आवर्स कंप्लीट भी हो जाए डे में और आपके ऊपर बर्डन भी ना हो, और जो आप 1.5 आवर 1.5 घंटा जो आप पढ़ रहे हो, तो आप पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ो, फोन साइड पर रख के अच्छे से पढ़ो, ताकि जो पढ़ रहे हो वो आपको याद रहे, ताकि आपका सिलेबस जो है टाइमली कंप्लीट हो जाए, ओके गाइस। तो 3 आवर्स आपको अपने सब्जेक्ट को देने ही देने हैं, तो बट आपको इग्नोर नहीं करना, आपको अपना पेपर वन बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो उसके लिए आप 1 आवर से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 आवर लगा कर देन उसको 2 आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब पेपर आने वाला होगा मई के मंथ में, आप पेपर 2 पर 2 मंथ्स लगा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, 1 आवर को डिवाइड कैसे करेंगे, 1/2 आवर इन मॉर्निंग, 1/2 आवर इन इवनिंग, तो इस तरीके से 1 आवर आपका वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 आवर्स कैसे हो गए, मॉर्निंग में 2 आवर्स इन इवनिंग, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 आप करेंगे, अगर आपका सिलेबस स्मूथली कंप्लीट होगा, ऑन टाइम कंप्लीट होगा, आपके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं होगा,
और किसी दिन आप फ्री हो, आप ज़्यादा टाइम लगा के सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। ये मतलब एक बेसिक प्लान है जो आप फॉलो कर सकते हैं गाइस। तो इसके साथ ही आपने ये देखना है, सॉर्ट आउट करना है कि कौन सी यूनिट्स आपको मुश्किल लगती हैं, ठीक है ना। हर एक स्टूडेंट की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। किसी को स्टैट्स अच्छा लगता है, किसी को बायो अच्छी लगती है, किसी को सोशल साइकोलॉजी, किसी को रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि कौन सी यूनिट्स है जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं, तो उनके आगे मार्क लगा लें, ऐसे राउंड मार्क लगा लें या स्टार मार्क लगा लें। तो ऐसे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि ये यूनिट डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, मुझे इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से टाइम देना है। और जो यूनिट आपको ईजी लगती हैं, आपका उन पर बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन जस्ट रीड आउट करके उसको स्किप कर सकते हैं, ओके। तो जो डिफ़िकल्ट यूनिट्स होंगी, जो लास्ट में बच जाएंगे यूनिट, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स बच जाएंगे, उनको क्या करना है आपको, जैसे कि आप कुछ लगाते गए, जैसे बायो के टॉपिक हो गए, स्टैट्स के टॉपिक ऐड लगा लो कि आपको डेवलपमेंट नहीं आती, ठीक है। तो 3 टॉपिक्स जो हैं आपने स्किप कर दिए, ये यूनिट स्किप कर दिए, तो क्या होगा, जो लास्ट का मंथ बचेगा आपके पास ये 3 यूनिट्स ही रह जाएंगी, तो आप उनको लास्ट के मंथ में कंप्लीट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ऐसे करना है जो जो आसान से टॉपिक हो जाएं और जो इजीली आपको इजी लगते हैं, जल्दी से कवर कर सकते हो गाइस, तो वो यूनिट्स उठा के जल्दी से कंप्लीट कर दो। जो डिफ़िकल्ट रह जाएंगी उनको आप लास्ट में कवर कर सकते हो, उनके आगे स्टार मार्क लगा दो। अगर पूरी यूनिट मुश्किल नहीं लगती, कुछ टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं उसमें, तो उनको स्टार मार्क लगा कर उसको स्किप कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए। और जब रिवाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा दीज यूनिट्स आर डिफ़िकल्ट फॉर यू, तो आप क्या कर सकते हो, उन यूनिट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं। तो आपका मेन मोटिव क्या होगा कि आपको जो इजी टॉपिक्स हैं, आपको इजी लगते हैं, उनको पहले फोकस करना है, ठीक है ना। हमें किसी और का स्टडी प्लान नहीं कॉपी करना, जो आपको इजी टॉपिक लगते हैं उनको जल्दी से कंप्लीट कर लो, देन यू विल लेफ्ट विद जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, तो उनको टाइमली आप कितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करके उनको कंप्लीट कर सकते हो। और कोशिश करो कि वो वाले टॉपिक्स जल्दी से कंप्लीट कर लो विच आर रेडली अवेलेबल, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट यूनिट है वो रेडली अवेलेबल नहीं है किसी के लिए भी, तो उनको जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला है कि आपको यूनिट 1 स्किप करनी है अभी थोड़ी टाइम के लिए, बाकी यूनिट 2nd से शुरू कर देना है। तो इसी तरीके से शायद आपको स्टैट्स की टॉपिक हो गया या डेवलपमेंटल का टॉपिक हो गया, कुछ चीज़ों के बुक्स अवेलेबल नहीं हैं या अभी नहीं पता कि वो कहाँ से पढ़े, तो उसके लिए अभी स्किप कर दो उन टॉपिक्स को और उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो रेडली अवेलेबल हैं, जिनके पास आपके पास नोट्स हैं, आपके पास बुक है या आपको नॉलेज है उस चीज़ की, तो जो रेडली अवेलेबल हैं उनको जल्दी से हमें कवर कर लेना है, ओके गाइस। तो उसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट 1 है फॉर साइकोलॉजी सिलेबस, तो आपको क्या करना है, वो बिल्कुल ही स्किप कर देना है अभी के लिए, जैसे कि आप मई मार्च के लिए आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप यूनिट 1 को स्किप कर देंगे तो आप 2nd यूनिट से, 3rd यूनिट से, जो भी आपको ईजी लगती है उस यूनिट को उठाकर जल्दी से उसको कवर कर लें। उसके साथ क्या होगा, आप स्किप कर सकते हैं उन टॉपिक्स को जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, और उनको थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर सकते हैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लास्ट में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक्स हैं ऐसे बच गए जिनके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या आपको किसी बुक में वो मिल ही नहीं रहे, तो आप क्या करोगे, लास्ट में उनको गूगल करोगे, उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको राइट डाउन कर लो साइड में, ठीक है। तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे साथ में। तो इस तरीके से जो यूनिट्स डिफ़िकल्ट हैं या जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको लास्ट में क्या करना है, गूगल करके उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है, बट स्किप नहीं करना कोई भी टॉपिक। तो इसके साथ ही जैसे गाइस आपको पता है कि इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी का सिलेबस है ये बहुत वास्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें ईस्टर्न वेस्टर्न साइकोलॉजी दोनों है। तो मैं कोशिश करूँगी आपका मार्च तक ये यूनिट कंप्लीट कर दूँ, पर इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जो ये यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ओके गाइस। अगर मैं एक टॉपिक पे नोट्स बना रही हूँ तो मुझे 4-5 डेज लगते हैं उस टॉपिक को सर्च करने में, नोट्स प्रिपेयर करने में, और अगर आप इस यूनिट को अभी शुरू कर दोगे करना, देन इट विल टेक मोर देन 1 मंथ, गारंटीड है कि आपको 1 मंथ लग जाएगा, क्योंकि आपके पास या तो नोट्स हों, कोई बुक हो, डायरेक्टली पढ़ना है उसको छोड़ देना है, क्योंकि ये टॉपिक हर एक आपको सर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, देन आपको ये भी नहीं पता कि ये सफिशिएंट है कि नहीं है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट यूनिट है वही आपका 1 मंथ पूरा यूज़ कर लेगी, देन यू विल लेफ्ट विद 2 मंथ्स ओनली फॉर 9 यूनिट्स। तो ऐसा क्या हो जाएगा, आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट कि अभी 2 मंथ्स में 9 यूनिट्स कैसे करें, ठीक है ना। फिर 5 डेज में एक एक यूनिट करनी पड़ेगी,
6 डेज में एक यूनिट करनी पड़ेगी, तो वो बर्डन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, परफॉर्मेंस आपकी लो हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए अभी पेपर वन की फर्स्ट यूनिट को जो है, ये साइकोलॉजी के पेपर की फर्स्ट यूनिट को अभी स्किप करना है थोड़े टाइम के लिए। तो आप जो वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ वो देख लो, उसको सेव करके रख लो, डाउनलोड करके रख लो। तो आप जब भी उसको टाइम मिले, जैसे फ्री हो, फ्री टाइम है, वेटिंग कर रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, देन आप उसको देख सकते हो। तो जैसे कि गाइस ये यूनिट है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट की यूनिट है, ओके। तो अगर आप इस यूनिट को डिवाइड करो इन 10 डेज के लिए, तो ये यूनिट जो है इजीली 10 डेज में हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप इस यूनिट को 2 डेज में कवर कर सकते हो, इस यूनिट को 2 डेज में, इस यूनिट को 2 to 3 डेज में, इस यूनिट को 1 डे में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि मैं इस तरह से, जैसे 5 यूनिट्स बन गई यहाँ पर, 2 डेज में हर यूनिट पे 2 डेज लगाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये जैसे काउंसलिंग का टॉपिक तो 1 दिन का है, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो कि आप टॉपिक्स को डिवाइड कर लो कि कौन से टॉपिक थोड़े ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो 1 दिन में हो जाएंगे, 2 दिन में हो जाएंगे, जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है वो ईजिली हो जाएंगे 1 डे में। तो आपको क्या करना है, सॉर्ट आउट कर लेना है ऐसे, और यूनिट के आगे जैसे मैंने आपको बोला था कि सिलेबस को प्रिंट करवा लें, प्रिंट करवा के रख लेंगे, तो उसके सामने लिख सकते हैं कि आपने शेड्यूल कैसे प्रिपेयर किया है, इन यूनिट्स को कैसे कवर करना है गाइस। तो उसके साथ ही जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, डैट इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज नहीं करोगे, देन वो सारा एक वो आपका वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया, प्रीवियस पेपर्स कर लिए, सब कुछ रट लिया, प्रैक्टिस कर ली बहुत ज़्यादा प्रीवियस पेपर की, बट आप प्रैक्टिस कहाँ पे कर रहे हो, आप पेपर पेन पे कर रहे हो, ठीक है ना। पर एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होना है, तो अगर आपको ऑनलाइन इंटरफेस की आदत नहीं है, और आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आता है वहाँ पे आपको फटीग हो जाता है, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है जब आप कंप्यूटर के सामने पेपर करने लगते हो, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि ऑन संडेज आप क्या कर सकते हो, 1 आवर डेली क्या करना है आपको, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। चाहे वहाँ पे कुछ भी करो, पर थोड़ा सा इंटरफेस से क्या हो जाएगा, आपकी हैबिचुअल हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग, देन आपको जब एग्ज़ाम में 4 to 5 आवर्स आपको कंप्यूटर के सामने रहना है, तो आपका कोई फटीग नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इन सब कारणों से क्या होता है, परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, ठीक है ना। कोरिलेशन करते हो ना कि इन सब कारणों से एक दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, देन परफॉर्मेंस विल इंक्रीज। तो क्या है, फटीग होगा ज़्यादा तो परफॉर्मेंस होगी कम, ठीक है, टेंशन होगी ज़्यादा तो परफॉर्मेंस होगी कम। तो ये आपको खुद पता है एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट कि अगर आप स्ट्रेस लोगे, एग्जाम में बैठे हुए क्वेश्चंस को समझ भी नहीं आ पाओगे, पेपर नहीं अच्छे से कर पाओगे, इसलिए ऑन संडेज थोड़ा सा ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाले, 1 आवर इज सफिशेंट। तो 1 आवर 50 मिनट्स, हाफ एन आवर, तो जितना भी टाइम दे सकते हो ऑन संडेज आप थोड़ी प्रैक्टिस करो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मुझे ये सब आता है, पर जो चीज़ नहीं आती उसको ही करते रहते हैं, उसको ही करते रहते हैं प्रैक्टिस, और जो चीज़ें आती हैं उसमें भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। किसी की रिसर्च मेथोडोलॉजी हो सकती है स्ट्रेंथ, किसी का स्टैट्स हो सकता है, किसी का बायो हो सकता है, तो अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको स्ट्रॉन्ग करना है और ज़्यादा, और जो वीकनेसेस हैं उनको, जैसे मैंने बोला है कि लास्ट में रख लो, उनको जल्दी से कवर कर दो कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। तो इस होल सिलेबस में, होल प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि सिलेबस टाइम पे हो जाएगा, बी पॉजिटिव। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप ज़्यादा ऐसे नहीं होगे, टेंशन नहीं होगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा या मेरा 2 मंथ्स रह गए, इतनी यूनिट रह गई। अगर ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपने क्या करना है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। इस सेक्शन में से, इस प्लान में से, जो भी शेड्यूल में आपको बता रही हूँ उसमें से जो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं आप उनमें से एक चीज़ पिक कर लो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं होता जो आपको कोई बता रहा है कि आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है, आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। इसमें से अगर आपको मॉर्निंग टू इवनिंग 2 आवर्स लगाने ये अच्छा लग रहा है, या फिर यूनिट 1 स्किप करना अच्छा लग रहा है, या फिर अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना, वीकनेसेस को बाद में फोकस करना, टॉपिक्स को सॉर्ट आउट करना, तो अगर आपको ये यूनिट अच्छी लग रही है कि ये तरीका अच्छा है पढ़ने का, तो इस पूरी वीडियो में से जो भी आपको अच्छी चीज़ लग रही है वो रख लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं होता कि कोई आपको अगर बता रहा है कि आपने इस तरीके से अपना शेड्यूल करना है, तो देन आप यू हैव टू बी स्ट्रिक्टली फॉलो दिस। हर पर्सन की डिफरेंट लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली शेड्यूल को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो,
तो जो जो इसमें पॉइंट अच्छे लगे उसको फॉलो कर लीजिए, जो पॉइंट आपको अपने लिए अच्छे नहीं लग रहे चाहे दूसरों को अच्छे लग रहे हो तो वो यूज़ कर लेंगे आप, जितने पॉइंट आपको अच्छे लग रहे हैं आप वो यूज़ कर लो, ठीक है गाइस। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, जो आप सपोर्ट कर रहे हो, वीडियोज़ को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ देख भी रहे हो, तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो गाइस, और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो ताकि आपसे कोई लेसन मिस ना हो जाए, क्योंकि इतने सारे लेसन डेली आने वाले हैं और सिलेबस हम जल्दी से यूनिट 1 का कंप्लीट कर लेंगे, और साथ में आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगी, बुक्स टू फॉलो फॉर यूनिट, हर यूनिट के लिए बुक्स की कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो बड़ा सारा और शेयर कर दो ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए रेडी रहो, आपको इस वीकेंड में और 2-3 वीडियोस आने वाली हैं। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।